Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Franklin, welcome back to another gameplay video of GTA 5. तो guys, आप लोगों ने पिछले episode में देखा होगा, 10 Hulk vs Superman हम लोगों ने करवाया था GTA 5 में. ये वाला वीडियो आप लोगों ने जाके चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लो. और फाइनली ये क्या भाई, ये वाला जो अभी ये क्या हो रहा भाई, इसको तेरी लगता है भाई हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. गाइज, हैरी पॉटर और मैं गाइज पिछले एपिसोड में मतलब हम लोग गए हुए थे फ्रैंकलिन के साथ और हम लोगों ने एक स्टील किया था मिलिट्री बेस से, एक बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर. लेकिन गाइज वो भयंकर उतरी, अभी लगता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. गाइज लगता है भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. इसके पंखे भी काम नहीं कर रहे थे गाइज, बहुत ज्यादा तेज चल रहे थे अभी. और जहां पर अभी गाइज हम लोग जो है नीचे उतरने वाले हैं, ठीक है. तो आज का वीडियो प्लीज बिल्कुल एंड तक देखना आप लोग दोस्तों, ठीक है. ओ भाई साहब, ये क्या हुआ गाइज, इसने ऑटोमेटिक हम लोग को एग्जिट कर दिया है और हम लोग गिर रहे हैं पानी में, काफी ज्यादा खतरनाक. और अभी जल्दी से गाइज, मेरे पास पैरासूट तो है, क्या पता गाइज मैं वहां पर तो पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा. बीच में सामने मेरे को एक घर दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हो सामने, ये वाला घर काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है. किसका घर है? ओ भाई साहब, ये तो स्टार्क मेंशन है, आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम टू सेम मलिबू स्टार्क मेंशन वैसा ही दिखता है. ये रहा गाइस स्टार्क मेंशन. सबसे पहले गाइस इसके अंदर तो जाना ही पड़ेगा भाई, मुझे खजाना मिल गया एक तरह से, आप लोग सोचोगे नहीं. स्टार्क मेंशन काफी ज्यादा खतरनाक और मशहूर आयरन मैन गाइस उसका घर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है. आप लोगों ने अगर एवेंजर्स देखी होगी तो आप लोगों को तो सब पता ही होगा. लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. ओ तेरी, ओ भाई पैर टूट गए, बहुत ज्यादा लग गए, हुआ फ्रैक्चर नहीं हुआ प्लास्टर. अरे भाई भाई जान में जान आई गाइज, मैं बहुत ज्यादा खुशी हो गया था. ओ तेरी ये कार आ रही है, जल्दी से बैठ जाते हैं इसमें. और जब भाई जल्दी उतरो भाई, मेरे को जल्दी से जाना है अंदर स्टॉक मेंशन में. स्टॉक मेंशन में चीजें देखनी है भाई, स्टील करने को बहुत कुछ होगा उधर. और आप लोगों को पता ही होगा गाइस, वहां पर सूट्स और क्या क्या होगा भाई, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और कितना बड़ा मलिबू मेंशन है गाइस. आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, मलिबू कैलिफोर्निया में ये स्थित था, लेकिन गाइस लॉस सैंटोस में रातों रात यहाँ पे पता नहीं कैसे बन गया. क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है एवेंजर्स अब लॉस सैंटोस पे रहने लग गए हैं, एंड गेम के बाद का सीन होगा गाइस मेरे ख्याल से, ठीक है. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, स्टार्क मेंशन नया बनाया और कितना ज्यादा सुंदर है. और सामने की तरफ में मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, कि कितनी ज्यादा लग्जरी कारें रखी हुई हैं, चार चार आप लोग देख पा रहे हो. लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है जैसे कोई बॉम्ब फूटने वाला हो. ध्यान से सुनिए गाइस, आप लोग कौन है भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है. और नजदीक चलते हैं, आवाज और ज्यादा तेज होगी मेरे ख्याल से. तो आ रही है ना गाइज आप लोग को आवाज, आवाज कहां से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन गाइज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. और फ्रैंकलिन भाई तू ऐसे स्टार्क मेंशन में घुसा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती. उतरी ये ब्लास्ट हो गई, वो गायब भी हो गई भाई, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है यार. चलो कोई बात नहीं गाइज, वो गायब हो गई, मतलब यार स्टार्क मेंशन खतरनाक भी है. अब लगता है गाइज हमारे ऊपर कोई दिख रहा है भाई, कारें देखो आप लोग, नजारे लग जाएंगे गाइज हमारे, कितनी सही सही कारें हैं. और ये लगता है स्टार्क का, जो मिस्टर स्टार्क हैं यानी कि आयरन मैन, उनका गाइज लगता है ये लैम्बोर्गिनी का फुल कलेक्शन है. तो आज क्या पता हम लोग दोस्तों इनको स्टील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. मैंने तो भाई फुल मूड बना लिया इनको स्टील करने का. अब देखो ये मिशन कहां तक सक्सेसफुल हो पाता है. प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, छोड़ के मत जाना. हम लोग अंदर आ रहे हैं मॉबे फ्रैंकलिन, बिल्कुल ध्यान से और अंदर लेता हूं. तो ये देखो गाइस, उसकी चार कलेक्शन का अलग है, लेकिन गाइस हमें चाहिए लैम्बोर्गिनी. ये तो सारी सस्ती कारें हैं, लेकिन बाहर जो लैम्बोर्गिनी रखी हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं. और ये क्या देखने को मिला, आयरन मैन के सूट, वो भाई साहब. जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि मेरे को आयरन मैन का सूट चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना. अंदर की तरफ में चलते हैं गाइस, कितनी ज्यादा बड़ी लैब है. और ये देखो गाइस यहां पर क्या है, वो भाई साहब अल्ट्रा प्रीमियर और तगड़े तगड़े सूट्स हैं गाइस यहां पर. ये पक्का दोस्तों एंड गेम के बाद अगर कोई मूवी बनेगी तो गाइस उसका लगता है मेरे को ये स्टार्क मेंशन है. और यहां पर दोस्तों विजन तो आप लोगों ने देखा था कि मर ही गया था, उसके जो इन्फिनिटी स्टोन था वो निकाल लिया था. तो यहां पर गाइस ये क्या देख सकता हूं, विजन भी पड़ा हुआ है. ये तो गाइस ब्लास्ट हो गया था, लगता है गाइस एंड गेम के बाद, इसके बाद यहां पर जो है इनको ठीक किया जा रहा है और कुछ नया बनाने की प्लानिंग चल रही है. और पता नहीं अभी थैनोस वगैरह कहाँ गए हैं. लेकिन गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, काफी ज्यादा खतरनाक सीन है. एंड गेम में तो थैनोस मर ही गया था, पर अब देखते हैं गाइस आगे की स्क्रिप्ट. उतरी रुपए को सुन उठा के फेंक दिया क्या. अरे भाई स्टार्क भाई माफ कर दो भाई, मुझे जाने दो यहाँ से. और लगता भाई मैं कैद हो चुका हूँ क्या, मेरे को लग ही रहा था गाइस हमें कोई ऊपर से देख रहा है. वो भाई साहब ये क्या उतरी लग रही है, भयंकर मैं पानी में गिर जाऊं. लगता है गाइस किसी ने उठा के हम लोगों को बाहर फेंक दिया है, कहीं हैप्पी का तो काम नहीं है गाइस ये. लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, कितना ज्यादा खतरनाक मेंशन है. ओ भाई साहब उतरी, वो ओ
भाई पानी में गिरे, चलो ऊपर मिलता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली गाइस कैसे ना कैसे करके अब तो भाई मेरे ना ईगो पे बात आ गई है। फ्रैंकलिन द रियल गैंगस्टर जो छोटे से बच्चे से बन रहा है गाइस, अभी देखते हैं यहाँ पर हम लोग इन कार को स्टील आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग, ओ भाई साहब ये क्या, फिर पटक दिया किसी ने। ओ भाई साहब लगता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है गाइस जो भाई मेरे साथ खेल रहा है। मेरे को पता है कि कुछ चुरा नहीं पाएगा, जल्दी से मैं ऊपर मिलता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो फाइनली लगता है गाइस ये आयरन मैन का सूट जैसा ही बना हुआ है, रेड। और जैसे कि आप लोग बगल में लोगों देख रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक है आयरन मैन का, वैसे गाइस जो है ऐसी ये वाली जो है हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ओ भाई वो लगता है गाइस लगता है ये आयरन मैन का सूट ही है। वो भयंकर कितनी तेज उड़ रहा है, आप उसकी स्पीड देख पा रहे हो भाई, मुझे स्पेस में नहीं जाना है भाई आयरन मैन। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइस 1000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, कितना ज्यादा खतरनाक और लग्जरी हेलीकॉप्टर है। ओ भयंकर भाई मेरे को स्पेस में नहीं जाना है, ये कौन सा हेलीकॉप्टर मैंने ले लिया भाई। ओ भयंकर अब तो मेरे को बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी तरीके से मैंने सोच लिया है कि मैं आज उन कार को स्टील करके रहूंगा किसी भी हालत में। चलते से अपने घर की लोकेशन मार्क कर लेता हूँ। और भाई साहब ये वाला जो हेलीकॉप्टर था ना, ये लगता है आयरन मैन की स्पीड से ऊपर उड़ता है, मतलब गाइस एक सेकंड भी नहीं लगे और हम लोग जल्दी से अर्थ के पार जाने वाले थे। भाई साहब सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर ये वाला। ओ भयंकर मैं इसको लग रहा था चुरा लूं, लेकिन गाइस ये जल्दी से नीचे गिर रहा है और अगर मैं एग्जिट नहीं हुआ तो मैं मारा जा सकता हूँ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बाद में गाइस, बहुत ही ज्यादा गंदी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जल्दी से गाइस मेरे को उतरना पड़ेगा यहां पर, और ये बिल्कुल भी एग्जिट होने का नाम नहीं ले रहा है। ओ भाई कितनी तेज उड़ रही है हवा, ओ जल्दी से। ओ भयंकर फाइनली हम लोग यहां पर जो है अच्छी तरीके से उतर पाए हैं। और गाइस उस हेलीकॉप्टर को मैंने छोड़ दिया, भाई ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर स्टार्क की टेक्नोलॉजी आप लोगों को तो पता ही होगा गाइस, आपने वाला एवेंजर्स अगर देखी होगी, वैसे किसने नहीं देखी, हर बच्चे बच्चे ने देखी होगा गाइस, तो कितना ज्यादा खतरनाक वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली स्टॉक मेंशन हम लोगों ने अंदर विजिट कर लिया है। और ये क्या भाई मेरा पैराशूट नहीं खुल रहा, उतर ही। ओ भाई यहाँ पे खुल जा, नहीं तो मेरी छाती जल जाएगी। ओ चलो हम उतर गए यहाँ पर, अब जल्दी से गाइस मेरे को उतर के अंदर की तरफ में जाना है। अंदर की तरफ में हैरी पॉटर भी देखने को मिलेगा, हैरी पॉटर का डॉग भी है गाइस, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और मैंने हैरी पॉटर को पहले ही बोल दिया था कि भाई मैंने जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लग्जरी कारें देखी हैं, तो भाई ट्रक का इंतजाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई उसने ट्रक का इंतजाम कर रखा होगा कि नहीं कर रखा होगा। तो ये रहा गाइस चॉप की जगह, अब ये वाला डॉग रहता है हमारा चॉप लेमार के पास है। ठीक है, तो जल्दी से गाइस अभी ड्रेस पहन लेते हैं, मिस्टर स्टार्क के अंदर जा रहे हैं, मिस्टर स्टार्क मेंशन के अंदर जा रहे हैं, तो चड्डी बनियान में जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से गाइस अभी मैं अच्छी तरीके से टक्सीडो पहन लेता हूँ। तो ये रहा गाइस टक्सीडो, कहाँ है टक्सीडो, कहाँ है भाई टक्सीडो, ये रहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं ताकि हम लोग स्टील करते हुए भी अच्छे लगे, एक रेपुटेशन होती है ना भाई मिस्टर स्टार्क के पास जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस अभी जल्दी मैंने ये कर लिया, हैरी पॉटर भी आगे दिखता ही होगा, लेकिन हमारा एग्जिट प्लान बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब दोस्तों वो तो अगर उनको टेक्नोलॉजी से उनको ज़्यादा पता है तो उन टेक्नोलॉजी से आगे हैं, क्योंकि हम लोग गैंगस्टर हैं और हम लोग चोर वगैरह हैं। ठीक है, तो जल्दी से गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को वो प्लान बता देता हूँ, और यहाँ पर हैरी पॉटर भी बाहर आता ही होगा। जल्दी से उससे बोलता हूँ भाई ट्रक कहाँ है जल्दी से बता दे। तो ओके गाइस फाइनली ये बता, बंदा बोल रहा था ट्रक वहीं पर खड़ा है, जल्दी से मैं आप लोगों को ट्रक में मिलता हूँ। तो ये रहा गाइस कार कैरियर ट्रक जो हम लोगों ने चलाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें गाइस हम लोग वो चारों को चारों स्टील करके लेके आएंगे। अब प्लान ऐसा है, जब भी मैं दोस्तों कार जो कार कैरियर ट्रक है इसको गाइस हम लोगों को अंदर नहीं लेके जाना है, इसको डायरेक्ट हमको लेके जाना है बाहर खड़े कर देना है। ठीक है, बाहर खड़े करने के बाद एक एक कार को बाहर लेके आना है, और जब दोस्तों कहीं भी हमको खतरा लगे तो अपने कपड़े उतार के फेंक देने हैं, ताकि हम लोग जो है कैमरा से डिपिक ना हो पाए बाहर, तो हम लोग को पूरे अपने बनियान और शॉर्ट्स में हो जाना है। ठीक है, तो ये प्लान हमारा रहेगा। हालांकि दोस्तों प्लान जो है काफ़ी ज़्यादा फुद्दू टाइप है, पर देखते हैं गाइस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी ये ट्रक जो है बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है, लेकिन हैरी पॉटर की जादू की मदद से गाइज हम लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से टेलीपोर्ट हो पाए हैं। अब जल्दी से गाइज ये वाला ट्रक लेके मैं जाने वाला हूँ स्टार्क मेंशन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पूरे लॉस सैंटोस पे, और एवेंजर्स का नया अड्डा दोस्तों बना हुआ है लॉस सैंटोस। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एंड गेम के बाद कोई भी मूवी मिलेगी तो भाई वो लॉस सैंटोस में उनका जो है टीम रहने वाली है एवेंजर्स की, और वहीं पर दोस्तों जो है स्टार्क आप लोगों को देखने वाले आने वाले एपिसोड्स में। तो एवेंजर्स क्या रखने चाहिए हम लोगों को दोस्तों नहीं, और उनका सूट जो है मिस्टर स्टार्क का वो चुराना चाहिए फ्रैंकलिन को नहीं, जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और काफी ज्यादा हाईटेक्स कार है दोस्तों वाली, वो लैम्बोर्गिनी। तो जल्दी से भाई मैं अपना ये वाला जो है ट्रक यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ काफी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले गाइस मैं ट्रक यहाँ पर खड़ा कर चुका हूँ, और ये क्या भाई पीछे कहाँ भाग रहा है भाई, वो तो मैंने तो पीछे किया ही नहीं गाइस। और ये ट्रक का जो ट्रेलर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हवा में उड़ रहा है भाई, मिस्टर स्टार्क की टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत हैट्स ऑफ। देखते हैं भाई क्या, ओ ये क्या हो रहा है, लगता है गाइस किसी ने मैग्नेट की तरह, ओ भाई हमारी ट्रॉली उठा के फेंक दी भाई, पहले ही मिशन फेल कर दिया। लेकिन फ्रैंकलिन तेरे को और ज्यादा डटे रहना है, तेरे को आज वो कार चुरानी है, तो क्या पता गाइस हम लोग वो कार चुरा पाते कि नहीं, जरूर से प्लीज वीडियो एंड तक देखो। ठीक है, मेरे पास भी एक पावर है भागने की, ये देखो गाइस उड़ सकते हैं हम लोग उड़ने के बाद। ओ भयंकर ये क्या सीन देखने को मिल रहा है,
जो गाइस हम लोगों ने हेलीकॉप्टर स्टील किया था वो यहाँ कैसे गिर गया भाई? मेरा घर तो उस साइड है, नॉर्थ साइड, और यहाँ के साउथ में कैसे गिर गया गाइस? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये सच में सूट था या क्या था? मतलब अभी यहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह नहीं करनी है फ्रैंकलिन फुद्दू, जल्दी से एक एक कार लेके बाहर निकल और उसके बाद फिर चुराते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस आप लोग देख पा रहे हो हम लोग चुराने वाले हैं जेट्रोनो। जेट्रोनो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है गाइस, ये भी एक लैम्बोर्गिनी में ही आती है और ये भी लैम्बोर्गिनी ही है, ठीक है? सबसे उसका मतलब छोटा मॉडल जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर दोस्तों तीन चार कारें वो लग्जरी कार ऐसी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कारें हैं और वो सारी की सारी स्टार्क मेंशन में दोस्तों रहती है, ठीक है? तो अभी जल्दी से ये वाली कार को मेरे को बाहर निकाल के एक अच्छी तरीके से पार्क कर देना है। हालांकि ट्रेलर तो मेरा उड़ गया है, लेकिन जैसे कि आप लोग रोड पे देख पा रहे हो काफी ज्यादा ट्रेलर जा रहे हैं, जैसे कि मेरे राइट साइड पे देख पा रहे हो खाली खाली ट्रेलर जा रहे हैं, तो हम लोग स्टील करके इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है? सेकंड कार पे चलते हैं गाइज, जो कि हमारी बढ़िया सी कार, जो कि ये वाली कार है गाइज, आप लोग देख पा रहे हो लैम्बोर्गिनी सेंटेरियो भाई, गोल्डन कलर में है, पूरी की पूरी गोल्डन है और काफी ज्यादा हाईटेक है। अब दोस्तों क्योंकि ये मिस्टर स्टार्क की है तो इसमें काफी ज्यादा और फंक्शन होंगे जो कि हमको दोस्तों लेस्टर बता पाएगा। फिलहाल तो दोस्तों कैसे ना करके मेरे को ये सारी की सारी कारें जो है स्टील करनी है। दो कार मैंने स्टील कर चुकी हैं और ट्रेलर लगातार जा रहे हैं, ये खुशी की बात है भाई। फ्रैंकलिन तू तो आज कार को चुरा ही लेगा, काफी ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही ज्यादा हाईटेक्स कार होने वाली है गाइज ये। पर वो तो गाइज एवेंजर है, वो मुझे कभी ना कभी धूड़ी लेंगे, पर गाइज मेरे को अपने मिशन में कामयाब होना है भाई, मुझे जो है ये कार जा सारी की सारी स्टील करनी है। थर्ड वाली कार जो है काफी ज्यादा लग्जरी है, जो कि अलाउ दोस्तों लैम्बोर्गिनी वेनेनो, ठीक है? उड़ के जा जल्दी फ्रैंकलिन जीरा गाइस, व्हाइट कलर की कार काफी ज्यादा बढ़िया है। देखो भाई कितने ज्यादा एक्शन जल्दी जल्दी ले रहा है। LP750 दोस्तों वेनेनो काफी ज्यादा बढ़िया है और इसका लुक देखो आप लोग, आगे से क्या ही खतरनाक और कातिल लुक है और बिल्कुल बिल्कुल एरोडायनामिक शेप में है गाइस, मतलब कार तो भाई हवा में उड़ जाएगी अगर हम लोग तेज चलाएं तो। और साउंड कितना ज्यादा बढ़िया आ रहा है गाइस इसका, आप लोग सुन पा रहे होगे, ठीक है? तो जल्दी से गाइस ये वाली कार को भी स्टील करते हैं। पटलटना नहीं, चलो भाई स्टंट हो गया यहाँ पर, जल्दी से चलते हैं गाइस बाहर की तरफ में। और अभी दो कार और बची हुई हैं और ये ट्रक, फालतू ट्रक क्यों खड़े है भाई यहाँ पर, जल्दी से हम लोग निकलते हैं। और हमारा एग्जिट प्लान तो आप लोगों को पता ही है, बनियान और उसमें हो जाना है अगर हम लोग को किसी ने देख लिया। जल्दी से गाइस चलते हैं फोर्थ वाले में, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। ओ भाई साहब ये कौन आ गया, वो तेरी हल्का आ चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा गया। ओ सारी सारी कार को डिस्ट्रॉय करने का उसको ऑर्डर मिला है क्या? मिस्टर स्टार्क ने अगर बोला होगा गाइस एवेंजर में कि भाई सारी की सारी जितनी कार है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, भाई फ्रैंकलिन तेरे तो भाई लग गए, जल्दी से अपनी बनियान और चड्डे पे आ जा, नहीं तो भाई हल्क तेरे चकना चूर कर देगा। कर आप लोग देख पा रहे हो, अबे भाई कार तो बहुत महंगी है, अब आप लोगों को पता होगा मिस्टर स्टार्क करोड़पति और रोमियो बहुत ज्यादा ज्यादा, मतलब उनके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और भाई ये क्या भाई सारे के सारे उत्तरी, अबे हल्क एक तो छोड़ दे भाई मेरे लिए। अबे यार आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस सारी की सारी कारें जो है ये ब्लास्ट कर दे रहा। ओ इसका स्टोमिक स्लैम भी कितना ज्यादा खतरनाक है। अब गाइस लगता है यहाँ पर पहला एवेंजर हमने देखने को मिल गया है, जो कि है दोस्तों हल्क, ठीक है? काफी ज्यादा भयंकर है। और फ्रैंकलिन तेरी वाट लगने वाली है, भाग ले बेटा भाग ले, कहां पर है जहां पर भी है। तो ये रहा गाइस फ्रैंकलिन, आप लोग देख पा रहे हो साले तेरा जो एग्जिट प्लान था ना बेकार वाला, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तेरी कार पलट देगा। ओ भयंकर फ्रैंकलिन मर गया क्या, इतना ज्यादा खतरनाक उसके ऊपर कार पलट दी उसने। और ये देखो गाइस, अबे ये कौन सी पावर है भाई तेरे पास, आप लोग देख पा रहे हो फ्रैंकलिन को भवंडर बना के ऊपर उड़ा दिया गाइस हल्क ने। ये कौन सा एवेंजर है गाइस, लगता है कि एंड गेम के बाद यहाँ पर सारे एवेंजर्स ने गाइस जो है मिक्स कर दिए अपने आप को। ओ भाई साहब आप लोग देख पा रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक एवेंजर हो चुका है ये। तो गाइस हमने जो सोचा हुआ था कि हम लोग दोस्तों जो है कार को स्टील करेंगे, वो अब हो चुका है गॉन रॉन्ग। हल्क कब से उड़ने लग गया भाई थॉर जैसे, वो भयंकर ये क्या हो रहा है भाई, कौन कौन से एवेंजर कितने ज्यादा अपग्रेडेशन हो गए हैं भाई। अभी गाइस एक कार बची हुई है तो मेरे ख्याल से हल्क उसको भी फोड़ देगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, हम दोस्तों कार को तो नहीं चुरा पाए, पर गाइस अब मैं जो है और ज्यादा प्रिपेयर हो चुका हूँ और मेरे ख्याल से माइकल जो है मेरे ख्याल से सूट चुरा पाएगा या फ्रैंकलिन चुरा पाएगा। वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे टिक कर लो। फाइनली गाइस हल्क ने सारी कारों को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो नहीं चाहता कि स्टार्क मेंशन में किसी की भी एंट्री हो। लगता है गाइस स्टार्क मेंशन में सिर्फ और सिर्फ हल्क अभी है एक तरह से, और यहां पर दोस्तों उसको जो है निगरानी यानी कि पहरेदारी करने के लिए रखा गया है। और गाइस ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक एवेंजर है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आयरन मैन का स्टील शूट करते हुए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।